भिवानी में एक जिम में प्रैक्टिस करने गए युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक निखिल को उसी के दोस्त ने कुछ मिलाकर खिला दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। साल इसकी उम्र थी जी, निखिल गोयल इसका नाम था। ये मेरा भतीजा है, भिवानी में रहता है, डानी राय सिंह गली नंबर 2 में। कल इसको चुनू नाम का लड़का बुला के लेके गया किसी बहाने से, बहला फिसला के इसको ले गया जिम के बहाने से। पता नहीं इसको कौन सा प्रोडक्ट इसने खिलाया, क्या खिलाया। ये घर आया और आते ही 1 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो गई। इसको अटैक आया, क्या आया पता नहीं, कौन सा जहरीला पदार्थ इसको खिलाया। जब इसको घर छोड़ के गया तो उसको बोल के गया कि तुम्हारे को चक्कर भी आएंगे, तुम्हारे को उल्टी भी आएगी, इसमें घबराना नहीं है। उसको पहले से प्री प्लान था या कितने लोग इसमें मिले हुए हैं, कौन सा पाउडर उसने खिलाया, कौन सी दवाई इसको दिलाई। हमारी पुलिस से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इसकी डिटेल्ड जानकारी निकाले, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करें कि आज के सब युवा ऐसे कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वो प्रोडक्ट बैन होने चाहिए, अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसमें कितना स्टोरेड है, क्या जहर बेच रहे हैं, क्या करें। ऐसे तो लोग मर जाएंगे, देश खत्म हो जाएगा। उससे कोई लड़ाई झगड़ा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो देहरादून रहता हूँ और मेरा भतीजा जो बताने वाला था वो रहा ही नहीं। बाकी जो उसके यार दोस्त हैं, कॉमन यार दोस्त, वो कहते हैं उसका नेचर ठीक नहीं था लड़के का। वो एक मतलब खुन्नस रखने वाला, जलस रखने वाला लड़का था, और अकेले ही वो इसको क्यों लेके गया। बार बार मैं उससे मिलने गया, कल वो झूठ मूठ में मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी भी चेक की जाए, क्यों एडमिट है, क्यों एडमिट कर रखा उसको, कुछ है ही नहीं। बार बार वो भी बोलता है कि मैं 10 मिनट के लिए जिम गया था, कभी बोलता है मैं 2 घंटे के लिए जिम गया था। बार बार झूठी स्टेटमेंट वो दे रहा है। सप्लीमेंट खिलाया उसके कारण, सप्लीमेंट खिलाया और पता नहीं क्या क्या खिलाया। सप्लीमेंट तो हमारे को उसके यहाँ से बरामद हुई, उससे पूछा कि क्या खिलाया तूने इसको, तो उसने अपने घर से पाउडर का डब्बा दिया है, टेबलेट्स का डब्बा दिया है, वो हमने पुलिस को दे दिया है। पुलिस के ऊपर हमारे को पूरा भरोसा है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, इसमें और कितने लोग शामिल हैं, किसने प्रोडक्ट सप्लाई किया, किसने दिया, जेन्युइन था कि नहीं था, कितना खिलाया और क्या खिलाया, कहाँ कहाँ गया, क्या किया, इसकी डिटेल जानकारी। इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। मेरा नाम राकेश गोयल है। कितने दिन पहले दोस्ती हुई इसकी? जो दोस्ती तो इसकी मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 7-8 महीने से तो दोस्ती थी। लेकिन जो इनके कॉमन फ्रेंड है वो सब बोलते हैं कि इसका करेक्टर ठीक नहीं है लड़के का, उसकी भी इंक्वायरी की जाए किस तरह का नेचर उसका है। सब कॉमन फ्रेंड है, वो यही है, सब यही बोलते हैं। आज हमारे पास सामान्य अस्पताल भिवानी से सूचना प्राप्त हुई थी कि निखिल पुत्र सत्यनारायण, उम्र 27 साल है, वो ब्रो डेड लिया गया है। जिस सूचना पर हम सामान्य अस्पताल भिवानी पहुंचे, उसके पिताजी की स्टेटमेंट ली गई है, जिन्होंने बताया था कि भाई मेरा बेटा कल जिम के लिए एक चिन्नू नाम के लड़के के साथ गया था, उन्होंने कोई प्रोडक्ट खाया था जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तथा उसको सामान्य अस्पताल भिवानी लाने पर वो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अभी तो एक चिन्नू नाम के लड़के के खिलाफ बयान दिए हैं, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।